क्या नाम आपका? मैं रमेश सहवाला, प्रेसिडेंट देवीलाल मॉडल टाउन वेलफेयर एसोसिएशन। क्या पूरा मामला है, क्यों आज ये प्रदर्शन की नौबत आ रही है सर? पूरा मामला है, 2003 के अंदर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने हमें प्लाट दिए थे, ब्यास में सारे पैसे भरा लिए। उन्होंने हमसे वादा किया था कि भी हम यहाँ पर आपको हर सुविधाएं देंगे, जैसे पानी है, बिजली है, सड़कें हैं, सीवरेज है, पार्क है, स्कूल है, पेट्रोल पंप है, दुकानें हैं, शॉपिंग कम्प्लेक्स है। हम उनके बहकावे में आके हम सब लोगों ने वहाँ पे प्लाट परचेज करे, और आज 20 साल हो गए उन बातों को। इन्होंने ना तो हमें कब्जा दिया, ना हमें निशान दे दी, हमें यही नहीं पता भी प्लाट कौन सा है हमारा, हम बनाए तो बनाए कहाँ, और आके झुग्गी झोंपड़ी वालों ने कब्जा कर लिया इसके ऊपर, और फिर नगर परिषद ने खुद डंपिंग पॉइंट बना के यहाँ गंदगी फेंकनी चालू कर दी। अब हमने जब उनसे मिले, 6 महीने हो गए हमें लगातार नगर परिषद के अधिकारियों से मिलते हुए, उपायुक्त महोदय से भी मिले, DMC से भी मिले, इनके जो और नगर आयुक्त है, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया जी हाँ जी करेंगे, परंतु कुछ नहीं हुआ। नहीं, जगह आपकी थी। हाँ, डंपिंग पॉइंट इस जगह पे बना दिया। हाँ, आपसे पूछा नहीं गया ना, पहले कब्जा फिर बाद में डंपिंग पॉइंट? हाँ, हमसे कुछ भी नहीं पूछा गया, और अब भी देखो डंपिंग पॉइंट निरी गंदगी पहाड़ बना रखे इन्होंने, जैसे कोई यहाँ इन्होंने पता नहीं रास्ता बन गया है, वो तो सुनवाई। इसलिए आज हमने रास्ता रोको आंदोलन किया है, सुबह के हम बैठे हैं और वो आते हैं कूड़ा गिरने वाले, हम उनको गिरने नहीं देते, भगा देते हैं, यहाँ नहीं गिरने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाओ। फिर भी कमेटी वाले? हाँ, आज यहाँ 10 ट्राली आ गई, अब तक हमें एक नहीं गिरने दी अंदर, ये पहले उठाओ इनको। सचिन कुमार है जी, हमारे 3 प्लाट हैं, फादर से चला नहीं जाता, हम परेशान, सारे काम धंधे वाले भाई साहब आदमी है, सुबह के 8 बजे गए बैठे को बेले तो है नहीं, रोज रोज या हम आगे धरना दे, हमने को धरना देने के लिए थोड़ा पैसे दिए थे, हम परेशान हो रहे हैं भाई साहब, ये कोई तरीका थोड़ा इनका, कोई सुनवाई नहीं है, हम सारे इतने आदमी, ये देखो सब काम धंधे वाले, कोई मास्टर है, कोई कुछ है, कोई बेचारा किराए पर बैठा है जी, किसी ने अपना मकान बनाना, भाई साहब इतने परेशान हो रहे हैं, ये कोई गंदगी कोई सुनवाई नहीं है, ये कोई तरीका थोड़ा इनका, कोई प्रशासन कोई सुनवाई नहीं, हम बेले थोड़ा है, सारे भाई सब सब काम धंधे वाले आदमी, ऊपर से काम नहीं और सब आदमी परेशान है, यहाँ गिर रहे हैं और सुबह के यहाँ सब बैठे ही, सुबह 8 बजे के सब आदमी आए बैठे हैं, और वो तो यही सोचते ये बेले, वो तो एसीओ के नीचे बैठे और हम यहाँ धूप के नीचे खड़े हैं, बुजुर्ग आदमी ये देखो इनकी उम्र है, ये बेचारे यहाँ बैठने लगे, अपना घर काम धंधा करने वाले आदमी है, यहाँ बैठे किराए पर मकान ले रखे लोग, बनाना है इनको, मिले अपना निशानदेही हमारे मकान की हमें मिले, हम अपना वो काम धंधा करें जी। प्रशासन पूरे तरीके से सहयोग नहीं कर रहा है, प्रशासन को चाहिए कि कूड़े का जो पॉइंट यहाँ से उठाया जाए, और ये जो आज कूड़े के ढेर में जो ये कॉलोनी है तब्दील हो रही है, उसको एक मॉडल टाउन का मॉडल रूप ही दिया जाए, शहर में इसकी सुंदरता बने। बहुत से प्लाट धारक ऐसे हैं जो बेचारे किराए के मकान में रहने पर मजबूर हैं, वो अपना आशियाना यहाँ पर बनाना चाहते हैं, सरकार सहयोग करेगी और उनका सपोर्ट करेगी तो वो अपना मकान बनाने के लिए तैयार हैं, वो बनाएंगे। यहाँ पे 231 प्लाट हैं जी, सब प्लाट सरकार ने बेचे हुए हैं, उनका कब्जा अभी तक सरकार ने नहीं दिया है, अभी तक पूरी तरीके से उसकी निशानदेही भी नहीं कराई है, बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है, सीवर की व्यवस्था यहाँ पे नहीं बनाई गई है, किसी भी तरीके से सरकार का जो रवैया है अभी तक उदासीन है, प्रॉपर तरीके से उन्होंने कोई काम नहीं किया है। सरकार अगर इस पर सहयोग करे तो ये एक बहुत अच्छी मॉडल टाउन जो बने, वो शहर का एक मॉडल बनेगा, सरकार सहयोग करेगी तो जनता भी, जिन्होंने प्लाट ले रखे हैं वो भी इसका सौंदर्यीकरण करेंगे। इंदर कुमार जी, आप सुबह से पेड़ के ऊपर धरना देके आप बैठे हैं, लेटे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम तो प्रशासन से यही चाहते हैं कि ये डंपिंग पॉइंट बंद किया जाए, डंपिंग पॉइंट करके हम ना तो यहाँ मकान बना सकते हैं, ना कोई निशानदेही दे रहे हैं, प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि ये डंपिंग पॉइंट यहाँ से हटाया जाए जल्द से जल्द। अधिकारियों से बातचीत हुई है, लेकिन वो कहते हैं हफ्ते का टाइम दे दो, 10 दिन का टाइम दे दो, हम दे देते हैं, वही टाइम चला जाता है, फिर वैसे के वैसे कोई सुनवाई नहीं है, फिर वैसे के वैसे कूड़े की गाड़ियाँ आ रही हैं, ऐसा ही काम चल रहा है। हम तो ये चाहते हैं ये डंपिंग पॉइंट हटाया जाए। मेरा नाम मनोज कुमार है, हमारा यहाँ एक प्लाट है, हम इसको बनाना चाहते हैं और हम सरकार से चाहते हैं कि हमारी निशानदेही दी जाए और जहाँ डंपिंग पॉइंट बंद किया जाए, कूड़ा डालना बंद किया जाए। पहले झुग्गी झोपड़ी वालों ने कब्जा किया हुआ था, वो हमने किसी तरह खाली करवाया है, अब गवर्नमेंट का यहाँ कब्जा हो रहा है, गवर्नमेंट यहाँ खुद प्लाटों पे कूड़ा डालती है, कूड़ा डालना बंद किया जाए।